नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा। कल नवरात्रि का सातवां दिन है और इस दिन माँ दुर्गा के सातवें रूप यानी कालरात्रि की पूजा की जाती है। शारदीय नवरात्र का सातवां दिन है। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के सातवें दिन माँ दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि सदैव अपने भक्तों पर कृपा करती हैं और शुभ फल देती हैं, इसलिए माँ का एक नाम शुंभकरी भी पड़ा है। माँ अपने भक्तों के सभी तरह के भय को दूर करती हैं और माँ की पूजा की कृपा पाने के लिए भक्तों को गंगा जल, पंचामृत, पुष्प, गंध, अक्षत से माँ की पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा माँ को गुड़ का भोग भी लगाना चाहिए। दुर्गा पूजा का सातवां दिन तांत्रिक क्रिया की साधना करने वालों के लिए ऐसा भी कहा जाता है कि माँ कालरात्रि की पूजा करने वाले भक्तों को किसी भूत, प्रेत या बुरी शक्ति का भय नहीं रहता। ऐसे में चलिए जानते हैं आखिर महासप्तमी के दिन कैसे और कैसे करें कालरात्रि की पूजा और माँ का पाएं आशीर्वाद। सबसे पहले जान लेते हैं माँ का स्वरूप कैसा है। कालरात्रि का शरीर रात के अंधकार की तरह काला है। इनकी श्वास से अग्नि निकलती है। माँ के बाल बिखरे हुए हैं। इनके गले में दिखाई देने वाली बिजली की भांति चमकती है। इन्हें तमाम सांसारिक शक्तियाँ का विनाश करने वाला बताया गया है। ब्रह्मांड की तरह माँ के नेत्र। भागवत पुराण के अनुसार माँ के तीन नेत्र ब्रह्मांड की तरह विशाल व गोल हैं, जिनमें से बिजली की भांति किरणें निकलती हैं, और चार हाथ हैं जिनमें एक में खड्डक अर्थात तलवार तो दूसरे में लौह अस्त्र और तीसरा हाथ अभय मुद्रा में है और चौथा वर मुद्रा में है। चलिए जान लेते हैं कौन है माँ कालरात्रि। माँ कालरात्रि देवी दुर्गा के नौ स्वरूपों में से एक है। माँ कालरात्रि का रंग कृष्ण वर्ण का है। काले रंग के कारण उनको कालरात्रि कहा गया है। चार भुजाओं वाली माँ कालरात्रि दोनों बाएं हाथों में क्रमश कट्टार और लोहे का कांटा धारण करती हैं। माँ दुर्गा ने असुरों के राजा रक्तबीज का संहार करने के लिए अपने तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया था। सिद्धि प्रदान करने वालों के लिए माँ का यह रूप बहुत अहम है। वाहन गर्दव अर्थात गधा है जो समस्त जीव जंतुओं में सबसे ज़्यादा परिश्रमी है और निर्भय होकर अपनी अर्धशास्त्री देवी कालरात्रि को लेकर इस संसार में विचरण कर रहा है। देवी का यह स्वरूप रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वालों के लिए है। चलिए जानते हैं माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है, कैसे की जाती है और इनकी पूजा का महत्व क्या है। नवरात्रि के सातवें दिन स्नान आदि से निर्वृत होकर माँ कालरात्रि का स्मरण करें। फिर माता को अक्षत, धूप, गंध, पुष्प और गुड़ का नैवेद्य श्रद्धा पूर्वक चढ़ाएं। माँ कालरात्रि का प्रिय पुष्प रात रानी है, इसलिए माँ की पूजा के समय रात रानी फूल उनको अर्पित करना चाहिए। इसके बाद कालरात्रि के मंत्रों का जाप करें तथा अंत में माँ कालरात्रि की आरती करें। माँ कालरात्रि की पूजा का महत्व क्या है। दरअसल माँ कालरात्रि की पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। माँ को प्रसन्न कर आप अपनी सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। माँ कालरात्रि की पूजा करके आप अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। चलिए जान लेते हैं माँ कालरात्रि का पसंदीदा रंग और भोग क्या है। नवरात्रि का सातवां दिन माँ कालरात्रि को समर्पित है। कालरात्रि को गुड़ बहुत पसंद है, इसलिए महासप्तमी के दिन उन्हें इसका भोग लगाना शुभ माना जाता है। मान्यता यह है कि माँ को गुड़ का भोग चढ़ाने और ब्राह्मणों को दान करने से वह प्रसन्न होती हैं और सभी विपदाओं का नाश करती हैं। माँ कालरात्रि को लाल रंग प्रिय है। जो लोग तंत्र साधना करते हैं उनके लिए सप्तमी का दिन बहुत ही अहम माना जाता है। दुर्गा पूजा का सातवां दिन तांत्रिक क्रिया की साधना करने वाले लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस दिन तंत्र साधना करने वाले साधक आधी रात में देवी की तांत्रिक विधि से पूजा करते हैं। इस दिन
माँ की आंखें खुलती हैं और कुंडलिनी जागरण के लिए जो साधक साधना में लगे होते हैं, महासप्तमी के दिन सहस्त्र सार चक्र का भेदन करते हैं। देवी की पूजा के बाद शिव और ब्रह्मा जी की भी पूजा करनी चाहिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और...